नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एचएल और एचएल कौटिल्य क्लास में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईस्टर्न वर्ग के बुद्धि का तीर्थतंत्र सिद्धांत। ईस्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल में बटी होती है। ईस्टर्न वर्ग ने बुद्धि के तीर्थतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार है। नंबर एक, विश्लेषणात्मक बुद्धि। किसी समस्या समाधान में समस्या को अंशों या भागों में बांटकर समाधान करने की क्षमता को ही विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। इसे घटकीय बुद्धि भी कहते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि को और किस बुद्धि के नाम से जाना जाता है? विश्लेषणात्मक बुद्धि। और ये ईस्टर्न वर्ग के बुद्धि के तीर्थतंत्र सिद्धांत में शामिल है। नंबर दो, सृजनात्मक बुद्धि। ऐसी मानसिक कौशलता की आवश्यकता होती है जो नई समस्या के समाधान में पड़ती है। इसे अनुभवजन्य बुद्धि भी कहते हैं। तीसरा, व्यवहारिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति वातावरण को एक खास ढंग से मोड़ने तथा परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। इसे संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं। तो ये था ईस्टर्न वर्ग का बुद्धि का तीर्थतंत्र सिद्धांत। अब हम बात करेंगे बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल। बुद्धि का त्रिआयामी मॉडल, जॉन वी कैरोल ने बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल विकसित किया। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल किसने विकसित किया? जॉन वी कैरोल ने विकसित किया। इस मॉडल के अनुसार मानसिक कौशल के तीन स्तर बताए गए हैं, एक सामान्य, दूसरा विस्तृत और तीसरा कौशल। बुद्धि के तीर्थ स्तरीय मॉडल को ही समाकलनात्मक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पीयरमैन, थ्रस्टन, कैटलहॉर्न के सिद्धांत के तत्वों को भी सम्मिलित किया गया है। अगर हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।